आज के वीडियो में बताने वाला हूँ जो कमेंट आ रहे हैं फोन पे रेंट के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया था जो 2024 में कि आपका रेंट का पैसा जो है कट जाता है, 2 दिन हो जाता है, आपके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आता है। सबसे पहले तो आप लोग ये नंबर लिख लीजिए जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये फोन पे कस्टमर केयर का नंबर है। और जो आप लोग कमेंट लिखते हैं कि भैया जो है कि हमारा पैसा जो है आपके कहने पे मैंने पेमेंट कर दिया, अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि देखो पैन कार्ड पे अब 5 करने का ऑप्शन था, ये सब कुछ मैंने बताया था उस वीडियो में। तो आप लोग शायद वीडियो को अच्छी तरह देखे नहीं होंगे, इसलिए आपसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया। और पहली बात तो आप लोग जब फोन पे से रेंट पैसा करते हैं तो कभी कभी आपका जो नंबर है कई अकाउंट में लिंक होता है, तो याद रखें मोबाइल नंबर से बहुत कम उपयोग करें। अगर मोबाइल नंबर पे एक ही अकाउंटेड है, आप बार बार निकालते हैं, आपको जानकारी है कि हाँ मैंने इसी नंबर पे कई बार पेमेंट किया है और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तभी उस पर करें। नहीं तो जो है अकाउंट IFSC कोड के माध्यम से आप लोग पैसा निकालें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो में ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि फ़ोन पे रेंट में जो कैसे आपको सब कुछ करना है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, फोन पे का जो ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे रेंट को ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे होम रेंट, यहाँ पे बहुत सारे जो अकाउंट है मेरा ऑलरेडी पहले जुड़े हैं तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, नया जोड़ना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जैसे अमाउंट लिख देता हूँ 1000, उसके बाद नेम लिख देता हूँ जिसका नेम लिख देना है, उसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आता है, एक है ऐड फोन नंबर द्वारा, बैंक अकाउंट द्वारा, UPI द्वारा। तो आप इसमें क्या होता है, जैसे फोन नंबर आपके अकाउंट से लिंक है तो आपका उसी खाते में पैसा जाएगा, अगर कई अकाउंट उस पर लिंक है तो आपका पैसा जो है किसी भी आपके बैंक अकाउंट में जा सकता है। और यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन दिया गया है, बैंक अकाउंट में क्या करना है आपको IFSC कोड अकाउंट नंबर लिख के यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट कर दीजिए, आपके खाते में आ जाएगा। और तीसरा नंबर है UPI नंबर, जैसे फोन पे UPI हो गया, भीम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब कुछ है। आप लोग यहीं पे कुछ ना कुछ गलती कर देते जो पैसा आपका कुछ दिन रुक जाता है। अगर पैसा आपका पेमेंट यहाँ पे रुक जाता तो आपको क्या करना, देखिए यहाँ एस्ट्री पे जाएंगे और एस्ट्री पे कोई भी एक पेमेंट जैसे की है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट फोन पे सपोर्टिंग, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेल्प करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए टिकट रेस का भी ऑप्शन सबसे ऊपर दिया गया है, आप चाहे तो टिकट रेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे लिखा आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अगर यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन लिखा मैंने गलत खाता में पैसा भेज दिया, राशि स्वीकार क्रेडिट नहीं हुआ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक SMS आ जाएगा कि देखिए आपका पैसा जो पहुंच गया। अगर आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचा रहेगा तो आपको इस पर भी जानकारी मिल जाएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको फोन पे का नंबर जो है कस्टमर केयर का नंबर डिस्प्ले पे दिखा दिया हूँ, आपको नोट कर लेना है, आप चाहे तो उसको गूगल में भी जाके नंबर निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो कमेंट आए हैं हमारे चैनल पे, बहुत सारे कमेंट आए हैं कि जो वीडियो है सही नहीं है, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। तो देखिए जिसको जिसको वीडियो समझ में आया वो सही लिखे हैं, जिसको नहीं समझ में आया, जिसके मन में आया जो लिख दिए। देखिए यहाँ पे लिखा है रेंट पेमेंट जो मेरा फर्क मैंने वीडियो बनाया था, भाई क्रेडिट कार्ड में कौन सा सेटिंग करना पड़ता है कि रेंट के लिए कौन सी लिमिट बढ़ाना है। देखिए रेंट का जो पेमेंट बढ़ाना है तो आपके बैंक अकाउंट द्वारा ही आपका रेंट बढ़ता है, आपको अपने कस्टमर केयर या नेट बैंकिंग के सहारा लेना होगा तभी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स 75 के ऊपर लगता है। इनकम टैक्स कब लगता है, जब आप बार बार पैसा निकालते हैं और आपका जो लिमिट है, जब आप अपना कोई बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि मंथली इनकम आपके कितना है, अगर आप कम बताएंगे, आप उससे ज़्यादा यूज करते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे कमेंट हैं, पेन नंबर डील इनकम शो हो जाता है, ट्रांसफर वाले टैक्स स्लो। हाँ तो ये सभी के साथ हो रहा है, मगर आपको क्या करना है, आपको कितनी बार पैसा निकालना है रेंट के लिए, जैसे कि आप 25,000 50,000 निकालना चाहते हैं तो एक बार में 25,000 से ज़्यादा ना भरे, आप 50,000 तक निकाल सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगने वाला है।
और यहाँ पे लिखा है पैन कार्ड लिंक करना। पैन कार्ड को इसमें लिंक नहीं करना, पैन कार्ड जिसके पास पैसा भेज रहे हैं उनका जो है पैन कार्ड नंबर लिखना है और उनका नाम जो है पैन कार्ड से मैच होना चाहिए जब आप पेमेंट करते हैं। अगर आपका पैसा जैसे फंस गया तो देखो भाई कस्टमर केयर नंबर देते हैं, आपका अगर पैसा फंस गया तो वहाँ पे बात कर सकते हैं। यह है कि फोन पे से अगर आप रूम रेंट के आपका पैसा जो 24 घंटे से कभी कभी 4 दिन 5 दिन कुछ भी अगर समय लगता है तो आप कस्टमर केयर का सहारा लेगा। कस्टमर बोल रहा आपके अकाउंट में पहुंच गया तो आपके पास जितने अकाउंट है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट मिले तो बहुत सारे देखिए, यहाँ पे लिखे भाई ने, भाई मेरा 30 वर्ष हो गया मतलब 30 घंटे हो गए अकाउंट में, मेरा अपना क्रेडिट कार्ड का अपना अकाउंट किया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। देखिए उनका जो पैसा है 30 घंटे के अंदर आ गया, 30 घंटे के अंदर आ गया उन्होंने लिखा है। एक भाई ने लिखा, भाई फोन पे से रेंट किया था 12 घंटे हैं बहुत, अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो इनके लिए क्या है, कस्टमर केयर से बात करना ज़रूरी है। क्या है कि पैसे में कोई प्रॉब्लम, अकाउंट में कोई दिक्कत कुछ भी होगा तो वहाँ से आपको सॉल्व मिल जाएगा और आपका पैसा जो खाते में मिल जाएगा, किसी का पैसा कहीं गलत नहीं जाएगा। यह है कि अगर पैसा किसी को नहीं मिला तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम सपोर्ट करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम आईडी में जाइए MTL महेश, हमसे बात कीजिए अगर किसी का पैसा फंस गया हो, क्योंकि गलत कमेंट मत करिए, क्योंकि पैसा आपका ज़रूर पहुँचेगा क्योंकि वो आपका पैसा है। मैं दिलाऊँगा अगर आपका पैसा कहीं से भी किसी अकाउंट में चला गया तो उसका भी ऑप्शन फोन पे में दिया गया, आपका पैसा जो है रिटर्न आ सकता है, आप दूसरे के अकाउंट भी ब्लॉक कर सकते हैं अगर गलत खाते में पैसा चला गया है तो। और यहाँ पर लिखा, हेलो भाई मेरे पेमेंट की टाइम जो है क्रेडिट कार्ड डिटेल देखने कंटिन्यू करता हूँ तो लिंक लिखा आता है कि सुन प्लीज कन्फर्म प्रोसेस कन्फर्म क्लिक नहीं होता, कोई ना कोई सेटिंग मिस्टेक होगा, आपको पहले अपना जो है डिटेल पूरा भरना होगा तभी आप पैसा निकाल पाएंगे। देखिए इसमें बहुत सारे कमेंट है, मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि अगर आपको कोई भी सोल्यूशन कोई भी दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके हमें कमेंट करें, फॉलो भी करें, हम आपको हेल्प करेंगे और हम आपसे बात भी करेंगे। तो वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।